नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। चंपाई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार आज। राज्य में चंपाई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार शुक्रवार को होना है। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चंपाई सरकार के 8 मंत्रियों को शपथ दिला सकते हैं। झामो से 5 और कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल रहे कई चेहरे बदले जाने को लेकर भी अटकलें लग रही है। झामो से हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का नाम तय माना जा रहा है। वहीं झामुमो में स्टीफन मरांडी और सुदिव्य कुमार के नाम भी चर्चा है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर चंपाई के कैबिनेट में भी शामिल रहेंगे। वहीं जोबा मांझी के नाम पर संशय है। सीता सोरेन के नाम को लेकर भी अब तक कोई संकेत पार्टी की ओर से नहीं मिले हैं। इधर कांग्रेस में भी मंत्री पद को लेकर लॉबिंग जोरों पर है। प्रदेश के नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व के कुछ नेता मंत्रिमंडल में बदलाव के पक्ष में नहीं है। इनकी दलील है कि 5 से 6 महीने के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल जरूरत नहीं है। सीएम चंपाई ने अपने गांव के लोगों से मिलकर सुनी उनकी परेशानी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गुरुवार को रांची के लिए प्रस्थान करने से पहले सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव जिलिंग गोड्डा में आम लोगों से मिले और उनकी परेशानी को सुना। साथ ही त्वरित और यथाउचित निराकरण करने का भरोसा दिया। चंपाई सोरेन ने कहा है कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उनकी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि जनता के परेशानियों का निदान करे। यही वजह है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अधिकारियों का दल आपके दरवाजे पर पहुंचा और आपकी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका समाधान किया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दिसोम देश परगना बैजू मुर्मू के नेतृत्व में एक दल गुरुवार को सीएम चंपाई सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। परगना बाबा ने आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक व धार्मिक समेत अन्य मुद्दों को लेकर उनके समक्ष रखा। मामूली सड़क हादसा ने लिया सांप्रदायिक रूप। धनबाद में एक सड़क हादसा ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। यह घटना गुरुवार को निरसा थाना क्षेत्र में घटी है। जानकारी के मुताबिक खुसरी निवासी गोविंद मोदक निरसा बाजार से अपने गाँव आ रहे थे। उसी दौरान उसकी बाइक की सीधी टक्कर मांडरा मुस्लिम टोला निवासी गोविंद के साथ हो गई। इस घटना में गोविंद की बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद गोविंद ने मुस्लिम टोला के युवक का बाइक रख उनसे हरजाना का मांग किया, नहीं तो अभिभावक बुलाने को कहा। इसके मुस्लिम टोले के युवक ने अपने परिजनों को न बुलाकर अपने गाँव के दोस्तों को बुला लिया। इसके बाद भीड़ ने गोविंद को बुरी तरह से पीट दिया। इसके बाद मारपीट होता देख खुसरी गांव के लोग भी पहुंच गए। इसके बाद देखते ही देखते दोनों गांव के ग्रामीणों की जुटान होने लगी। सांसद धीरज साहू ने भरा 150 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके पीछे की बड़ी वजह उनका 150 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा जाना है। गौरतलब है कि बीते साल दिसंबर में आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें उनके विभिन्न ठिकानों से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इस संबंध में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का कहना है कि बरामद कुछ नकद चालू वित्त वर्ष के दौरान किए गए व्यवसाय से संबंधित हैं, जिसके लिए रिटर्न अगले वित्त वर्ष में ही दाखिल किया जाना है। हालांकि सूत्रों की माने तो शेष उन्हें राशि में से 50 करोड़ रुपए के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर आयकर विभाग टैक्स व जुर्माना लगाएगा। पश्चिमी सिंहभूम से 2 आईईडी बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस व सुरक्षा बलों के जवानों ने एक बार नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। दरअसल जवानों को गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीबुरु से लोवा बेड़ा के बीच पहाड़ी मार्ग पर 2 आईईडी को बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। बताया जाता है कि गुरुवार को सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रहे थे। इसी क्रम में गोइलकेरा के हाथीबुरु से लोवा बेड़ा के बीच 2 आईईडी को बरामद कर लिया। साथ ही जवानों ने कोल्हान वन क्षेत्र अंतर्गत टोटो के तुम्बा हकावा प्रधान घाट के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बने पुराने अस्थायी नक्सली कैंप को भी ध्वस्त कर दिया है। हजारीबाग से 8 साल के बच्चे का अपहरण। झारखंड के हजारीबाग जिले से एक 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। चलकुसा प्रखंड के चांदनी चौक स्थित उसकी दुकान से अपराधियों ने बुधवार की शाम में उसका अपहरण कर लिया।
अपहरणकर्ताओं ने छोड़ने के एवज में फोन पर 5 लाख रुपए फिरौती मांगी है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी तक बच्चे की बरामदगी नहीं हुई है। बता दें, हजारीबाग जिले के चलकुसा प्रखंड के चांदनी चौक से दिनेश साह का 8 वर्षीय पुत्र दीपक साह बुधवार की शाम को अपनी दुकान से लापता हो गया है। हेमंत सोरेन की ईडी कोर्ट में पेशी भेजे गए होटवार जेल। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गुरुवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया। ईडी की टीम उन्हें ईडी कोर्ट लेकर पहुंची थी। महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया है कि रिमांड अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। बता दें कि पिछले कई दिनों से रिमांड पर लेकर ईडी के अफसर उनसे पूछताछ कर रहे थे। रांची के बड़गाई अंचल की जमीन मामले में ईडी की टीम ने उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने 31 जनवरी 2024 को लंबी पूछताछ के बाद झारखंड के तत्कालीन सीएम व झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए सरना स्थल पर पूजा। झारखंड की राजधानी रांची के करमटोली चौक स्थित धुमकुड़िया भवन के समीप सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान से आदिवासी समाज की महिलाओं ने गुरुवार को पूजा अर्चना की और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जल्द से जल्द रिहाई की मन्नत मांगी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जाँच एजेंसियों की मदद से झूठे और बेबुनियादी केस में फंसाकर हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। बता दें कि 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबी पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। झारखंड के पूर्व सीएम और झामो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की जल्द से जल्द रिहाई के लिए आदिवासी समाज की महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन के समीप सरना स्थल पहुंची और आराधना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें साजिश कर जेल भेजा है। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों ने मचाया उत्पात। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बरसोल थाना क्षेत्र की सांड्रा पंचायत के लोधनवानी गांव में बुधवार की देर रात 10 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने हाथियों को भगाने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से क्यूआरटी टीम बुलाई। इस दौरान हाथियों के झुंड ने क्यूआरटी टीम के एक सदस्य को उठाकर पटक दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम बाबलू बास्केट 45 वर्षीय था। वह पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के डुम्बू खाना गांव का रहने वाला था। हाथियों को भगाने के क्रम में क्यूआरटी टीम के 3 अन्य सदस्य गिरकर घायल हो गए। इसके साथ ही बरसोल के लोधनवानी गांव के लोग भी दौड़कर भाग रहे थे, तभी 3 लोग गिरकर घायल हो गए हैं। राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव आज से 16 से 23 फरवरी तक मयूराक्षी नदी तट पर चलने वाले राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव की तैयारियों को लेकर दुमका उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हिजला मेला के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों को उनके कार्यों से अवगत कराते हुए कार्यों को समय पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त श्री दोड्डे ने कहा है कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए गठित सभी समिति अपने दायित्वों का निर्वहन समय व ईमानदारी पूर्वक करें। मेला क्षेत्र की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सफाई कर्मियों को प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। मेला क्षेत्र में जगह जगह डस्टबिन रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। पूर्व सांसद घूरन राम ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही झारखंड के नेताओं ने अपना कुनबा बदलना शुरू कर दिया है। जहां एक ओर राजनीतिक फायदे के लिए नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है, वहीं भाजपा अपने कुनबे को मजबूत करने में कामयाब होती हुई दिख रही है। दरअसल भाजपा प्रदेश कार्यालय में अलग अलग जिलों से आए अलग राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर, प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वालों में से पूर्व सांसद घूरन राम, जो राजद के कदावर नेता जाने जाते थे, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में भाजपा के सदस्यता ग्रहण की है। 27 फरवरी को झारखंड उलगुलान का विशाल जनसभा। आदिवासी न्याय उलगुलान हुंकार की तैयारी की समीक्षा व कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को तोरपा में झारखंड उलगुलान संघ के केंद्रीय समिति की बैठक संयोजक अलेस्टेयर बोदरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय के कचहरी मैदान में 27 फरवरी को विशाल जनसभा का आयोजन झारखंड उलगुलान संघ के तत्वावधान में होगी। इस दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों ने बताया है कि डिलिस्टरिंग और भूमि बैंक के विषय पर पूरे आदिवासी समाज में जबरदस्त आक्रोश है। ये दोनों विषय आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता, पहचान, परंपरा, संस्कृति एवं व्यवस्था और जल जंगल जमीन के मालिकाना हक से जुड़े बहुत गंभीर सवाल हैं। आदिवासियों में डिलिस्टरिंग का विवाद पैदा करने के पीछे बहुत ही साजिश है।
विनोद सिंह की व्हाट्सएप चैट में मिला कोडवर्ड। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने पिछले दिनों जांच में सामने आए कुछ तथ्यों से राज्य सरकार को अवगत कराया था। ईडी ने विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट से भी सरकार को अवगत कराया था, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया था। छानबीन में यह बात सामने आई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लाख के लिए फाइल शब्द और करोड़ के लिए फोल्डर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी के पत्राचार के बाद क्या कार्रवाई हुई है, इसे लेकर ईडी एक बार फिर राज्य सरकार को रिमांड भेजेगी। यह रिमाइंडर राज्य के मुख्य सचिव को भेजी जाएगी। बता दें, 3 जनवरी को ईडी ने विनोद सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उनके ठिकाने से 25 लाख रुपये नकदी के अलावा जमीन में निवेश से संबंधित कई कागजात मिले थे। किसान आंदोलन का किसानों से नहीं कोई लेना देना, बाबूलाल मरांडी। लोकसभा चुनाव से ठीक पूर्व विभिन्न मांगों को लेकर नई दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन फिर जारी है। एक किसान जहां दिल्ली आकर अपनी मांगे मंगवाने को लेकर राजधानी की सीमा पर डटे हैं, वहीं अब केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी कहा है कि सरकार किसानों के साथ खुले दिल से बातचीत के लिए तैयार है। आपस में चर्चा कर ही किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि किसानों को सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। बुधवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने एक्स टाइमलाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि के साथ एक किसान की तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे देश की आत्मा हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश के किसानों का हित चाहती है, उनके पक्ष में नीतियाँ निर्धारित की गई है। रांची में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच 23 फरवरी को। राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट खेला जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू 16 फरवरी से हो रही है। खेल प्रशंसक दोपहर 12 बजे से पेटीएम ऐप और insider.in पर टिकट ले सकते हैं, जबकि टिकटों की ऑफलाइन बिक्री 20 फरवरी से शुरू होगी। ऑनलाइन खरीदे गए टिकट 20 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से स्टेडियम के पश्चिमी गेट पर जाकर भौतिक रूप में लेना होगा। मैच के दिन स्टेडियम में प्रवेश के लिए भौतिक रूप से टिकट अनिवार्य होगा। एक व्यक्ति अधिकतम 6 टिकट खरीद सकता है और काउंटर से टिकट लेते समय उसी व्यक्ति का फोटो पहचान पत्र जरूरी है जिसने टिकट बुक किया है। बारिश के बाद कोहरे के आगोश में झारखंड। 3 दिनों की बारिश के बाद शुक्रवार से झारखंड में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी से आसमान साफ रहेगा। सुबह में राजधानी रांची समेत राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा रहने की संभावना है। वहीं बादल छटने के बाद राज्य के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्य दर्जे की बारिश हुई, वहीं रांची जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। केंद्र और भाजपा के खिलाफ झामुमो का उपवास। केंद्र और भाजपा के खिलाफ झामुमो का उपवास कार्यक्रम गुरुवार को रांची के मोराबादी मैदान स्थित गांधी वाटिका के समक्ष शुरू हुआ है। इसमें झामुमो ने केंद्र की भाजपा सरकार को तानाशाही करार देते हुए एक राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजे जाने का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा है कि हेमंत सोरेन को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा चुनावी लाभ लेने के लिए तानाशाही रूप अपनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा फर्जी मामले में जेल भेजा गया। उपवास कार्यक्रम से हमारा संदेश है कि जिस प्रकार बापू ने अहिंसा को अपनाते हुए अंग्रेजों को देश से भगाया था, जिस प्रकार हमारे नेता हेमंत सोरेन को केंद्र की भाजपा सरकार प्रताड़ित कर जेल भेजने का काम की है, आज हम बापू के समक्ष बैठकर यह संकल्प लेते हैं कि वर्तमान के अंग्रेजों को भगाने का काम करेंगे और भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। धन्यवाद।